हेलो एवरीवन, टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर 9 ऑफ दिस सीरीज दैट इज हीट एंड ऑप्टिक्स. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरियस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द गैस लॉज. ओके, तो गैस लॉज हमने स्टडी किए थे जिसमें हमने देखा था बॉयल्स लॉ, देन चार्ल्स लॉ एंड गे लुसैक्स लॉ. ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस थर्ड लॉ द कंबाइनिंग लॉ इज नोन एज द जनरल गैस इक्वेशन, दैट इज अ परफेक्ट गैस इक्वेशन, या फिर उसको बोला जाता है आइडियल गैस लॉ. तो ये सब पे बेस्ड हमें आज न्यूमेरिकल्स करने. ओके, तो वन बाय वन हम सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो पहले हाँ इसका थोड़ा ये देख ले डिस्क्रिप्शन, मतलब जो फॉर्मूले थे वो पहले समझ लेते हैं. ठीक है ना, परफेक्ट गैस और जनरल गैस इक्वेशन तो इसमें सारे हम यूज़ करते हैं. तो पहले बॉयल्स का समझ लो. ओके, यहाँ पे बॉयल्स नहीं यूज़ किया मैंने, तो बॉयल्स लॉ क्या था. ओके, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ बॉयल्स लॉ. ठीक है, यहाँ पे तो बॉयल्स लॉ जो था उसमें क्या होता था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था और प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर थे. ठीक है ना, और इसलिए रिलेशन क्या बनता था, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ऐसा रिलेशन बनता था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके, ये चीज़ होती थी बॉयल्स लॉ में. ओके, सेम अगर हम अप्लाई करें अदर जो हमारे जो लॉज हमने दिए गए हैं वो सब लॉज के लिए. ओके, तो कौन सा है, तो फर्स्ट देखते हैं. देखो गे लुसैक्स लॉ. ओके, सो अकॉर्डिंग टू गे लुसैक्स लॉ, तो यहाँ पे क्या था, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है. ओके, तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमें क्या था, प्रेशर जो था वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, या फिर जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा जब वॉल्यूम हम कॉन्स्टेंट रखेंगे. ओके, सो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, एक्चुअल में P1 डिवाइडेड बाय P T1 ओके इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2 ऐसा रहेगा. ओके, P2 डिवाइडेड बाय T2 डिवाइड ऐसा साइन लिखो भी. ओके, P1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2 ओके, ये रहेगा रिलेशन. सेम अभी नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो ये चार्ल्स लॉ है. चार्ल्स लॉ में क्या बोला गया है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाएगा चार्ल्स लॉ में. ओके, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कॉन्स्टेंट है. ओके, ये ऊपर का साइड होगा. ओके ना, नीचे के साइड देखो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो वी एंड टी मतलब क्या है कि एज टेम्परेचर चेंजेस वॉल्यूम चेंजेस, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो ये क्या होगा, चार्ल्स लॉ में होगा ऐसा. ओके, तो ये क्या बनेगा एक्चुअल में, इससे आप लिख सकते हो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2. ओके, तो ये हमारा हो गया चार्ल्स लॉ. ओके, तो चार्ल्स लॉ में ये चीज़ होती थी कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर था वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थे. जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो करेगा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये हमने लॉज दी गए तीनों. ओके, बॉयल्स लॉ तो नहीं, लेकिन ये बाकी के जो लॉज है जो गे लुसैक लॉ और चार्ल्स लॉ. ओके, इनको कंबाइन करना है अभी. ओके, कंबाइन कर दो ये सब, ये दोनों इक्वेशंस को. जैसे हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इट इज़ रिटन एज P into V, दिस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, देन क्या होता है, अभी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम निकाल देते हैं तो ये कॉन्स्टेंट डालना पड़ेगा, दैट इज कॉन्स्टेंट इज आर, दैट इज अ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. ओके, और इसका वैल्यू कैसे बनेगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी. ओके, दैट इज PV इक्वल टू RT बनेगा. ओके, ये चीज़ बन जाएगी PV इक्वल टू RT. ये हो गया, ये इसको बोला जाता है
यहाँ पे भी शो किया गया है, देखो परफेक्ट गैस या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो यहाँ पे तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये हमारा आइडियल गैस लॉ है, या फिर इसको बुलाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर रहता है वो है पी, पी से डिनोट किया है वो प्रेशर है, वी से डिनोट किया है वो वॉल्यूम है, और टी से डिनोट किया है वो टेम्परेचर है, और आर से डिनोट किया है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, देन इसमें जो आर की वैल्यू है वो एक्चुअल में कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वैल्यूज खाली वेरी होते जाएंगे। अभी इसके बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग, अभी देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 0 degree Celsius इज 100 ml। ओके, तो वॉल्यूम दिया गया है और गैस का टेम्परेचर भी दिया गया है। गैस का टेम्परेचर देखो यहाँ पे 0 degree Celsius बता दिया, और उसका वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम ऑफ गैस था, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, 100 ml ए इसका वॉल्यूम है। ओके, तो वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 100 degree Celsius। और एक जो है कंडीशन बताई कि उसका वॉल्यूम तो नहीं दिया उन्होंने, वॉल्यूम फाइंड करने को बोला है लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, इफ़ इट्स प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, कब बताया कि एक कंडीशन बता दी उन्होंने, क्या प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें वो लॉस ढूंढने पड़ेंगे कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, वो चीज़ है। तो पहले तो गिवन डेटा लिख दो। सो गिवन में क्या है, आपको दो तरह के टेम्परेचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कुछ गैस है। ओके, उसका पहले टेम्परेचर एक दिया हुआ है, फर्स्ट टेम्परेचर जो दिया है इनिशियल टेम्परेचर वो T1 है, तो 0 degree Celsius लिख दो। ओके, फर्स्ट जो है वो, और फिर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन कन्वर्ट करना है मीन्स उसमें ऐड करो 273। ओके, जैसे आप 273 ऐड करते हो तो जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो कितना होगा, 273 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसी का वॉल्यूम दिया गया है, तो अगर T1 अगर उसका टेम्परेचर है तो V1 उसका वॉल्यूम कंसिडर करो, देन V1 की वैल्यू कितनी है, 100 ml। ओके, 100 ml यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे मेंशन कर दो 100 ml, उसको ml में ही रख देना। नेक्स्ट क्या है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 100 degree Celsius। अभी इसकी जो क्या बोला कि वॉल्यूम फाइंड करना है ऐसा बोला है, तो वॉल्यूम को क्वेश्चन मार्क दे दो, मतलब V2 फाइंड करना है, और T2 दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वो बोला है 100 degree Celsius, तो T2 100 degree Celsius, सो 100 + 273 = 373 केल्विन। ओके, तो ये बन गया आपका पूरा जो कुछ गिवन डेटा है जो क्वेश्चन में, वो यहाँ पे बन चुका है। ओके, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है, और एक कंडीशन बताएगी, कंडीशन क्या बताएगी, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट मींस वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा गैस लॉ वहाँ पे काम करेगा, इट इज़ अ चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ यहाँ पे काम करेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर क्या रहेगा, अगर चार्ल्स लॉ है तो चार्ल्स लॉ में क्या कंडीशन थी हमारी, कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था। ओके, मतलब जो वॉल्यूम था, ओके, वो टी जो टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। ओके ना, मतलब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, V/T इज कॉन्स्टेंट। ओके, इस चीज़ को ऐसे भी बोला जाता है कि V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, तो ये होगा, देन ये हो गया। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम V1/T1। ओके, V/T अगर कॉन्स्टेंट है हमारा, ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2, मीन्स वही लॉ वो सिर्फ हमने दोनों के लिए यूज़ किया। ओके, दोनों वॉल्यूम्स और दोनों टेम्परेचर के लिए वो कांस्टेंट बता दिए। ओके, इक्वल लिखा है तो क्या है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब भी आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तभी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसमें वही होगा, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो V1 का वैल्यू है हमारे पास, T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है। ओके, सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, दैट इज़ V2। ओके,
वी टू अगर नहीं है हमारे पास तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वी टू के फॉर्म में बना दो पहले, वी टू के फॉर्म में बना दो तो कैसा होगा, वी टू इक्वल टू अगर ये वैल्यूज पुट करते हो यहाँ पे वी वन टी वन और ओके वैल्यूज, तो ये ऐसे बनेगा 100/273 इक्वल टू वी टू बाई 373 ऐसे बनेगा ओके। तो अभी इसमें अगर सॉल्व कर रहे हो आप ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये इस डिवीज़न करके अगर सॉल्व करते हो तो लास्ट में हमें वो आंसर मिल जाएगा ओके। तो यह क्या रहेगा वी टू इक्वल टू ओके, तो ये 373 डिवाइड बाई 273 इंटू 100 होगा यहाँ पे ओके, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर मिलेगा ये, इस सॉल्व करके देखो 136.33 ml ओके, वही आंसर आता है कि नहीं। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस दिया गया है यहाँ पे, गैस एट 20 degree Celsius इज हीटेड टू 150 degree Celsius, तो पहला टेम्परेचर गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना दिया है 20 degree Celsius, ऐसा इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है ओके। देन नेक्स्ट टेम्परेचर जो दिया गया है वो कितना है 150 degree Celsius ओके, 150 degree Celsius ये हमारा सेकेंड टेम्परेचर है ओके, बाई कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखा हुआ है और उसको हीटअप किया हुआ है ओके गैस को, तो कितना क्या है 20 degree Celsius इनिशियल है, तो इनिशियल लिखना है हमें, तो टी वन लिख दो, टी वन को कितना लिखना है 20 degree Celsius ओके, 20 degree Celsius इक्वल टू 20 + 273 इक्वल टू 293 हो गया जाएगा यहाँ पे ओके, 293 केल्विन। और सेकेंड जो टेम्परेचर है वो टी टू है ओके, और क्या बोला कि द प्रेशर देन बिकम्स 86.62 cm ऑफ ओके, तो सेकेंड प्रेशर भी दिया गया ओके, सेकेंड टेम्परेचर है, सेकेंड का प्रेशर भी दिया, फर्स्ट का प्रेशर नहीं दिया है, तो फाइंड इट्स इनिशियल प्रेशर, तो प्रेशर फाइंड करना है, तो पी वन फाइंड करना है हमें ओके, और सेकेंड का देखो टेम्परेचर क्या दिया है 150 degree Celsius ओके, मतलब फाइनल जो टेम्परेचर रहेगा वो 150 degree Celsius मीन्स 150 + 273 ओके, यहाँ पे ऐसा होगा, तो 150 + 273 कितना होगा 423 केल्विन। नेक्स्ट क्या है कि प्रेशर, प्रेशर कितना दिया है 86.62 cm ऑफ मर्क्यूरी मीन्स एच जी, ये सिंबल है मर्क्यूरी का, 86.62 cm ऑफ एच जी, पी टू हो गया। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से इस गैस लॉ के लिए होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है गे-लुसैक लॉ के लिए ओके, गे-लुसैक लॉ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइम पे क्या होता है कि वॉल्यूम जो रहता है वो एक्चुअल में गैस का कांस्टेंट बताया जाता है ओके। तो यहाँ पे होता है अगर अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट देन एट दिस स्टेज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओके, तो इसलिए क्या होगा पी वन पी बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट बन जाएगा, जैसे कॉन्स्टेंट बन जाएगा तो आप लिख सकते हो कि पी वन बाई टी वन इक्वल टू, तो पी और टी ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ओके, जैसे ही पी बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर जैसे ही पी डिक्रीज होगा टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू ओके, पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू, इसमें क्या हमारे पास पी वन नहीं है बाकी सब कुछ है ओके, पी टू टी टू टी वन टी टू वो सब है ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और देखो कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है ओके। सो पी वन इक्वल टू क्या बनेगा 86.62 × 293 / 423 ओके,
तो ये आंसर एक्चुअल में बनेगा 60 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ओके ऐसा बनेगा, ऐसा यूनिट है हमारा एक्चुअल में, जो सेंटीमीटर ऑफ वी जी है वो भी एक्चुअल में साई में कंसीडर करते हैं। तो ये एक्चुअल में चेंज रहेगा इसमें इनिशियल प्रेशर में, जो गे-लुसैक लॉ यूज़ करने के बाद हमें ये इस तरह का प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं इन ओनली वन कंडीशन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। ओके तो यहाँ पे हमें जो प्रेशर इनिशियल प्रेशर मिल रहा है वो कितना है 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए सिंबल कौन सा है Hg, याद रखो। देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, इफ गैस इज कूल्ड फ्रॉम 323 केल्विन टू 273.15 केल्विन। ओके तो गैस का देखो टेम्परेचर कम किए, कूल किए ना उसको, इसलिए मतलब क्या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में गए क्या। एंड वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, टेम्परेचर में चेंज दिखा गया क्योंकि दो टेम्परेचर्स मिल रहे हैं ना यहाँ पे हमें, तो टेम्परेचर तो वेरी हो गया फाइनल से इनिशियल में आ गया एकदम। तो इनिशियल ज़्यादा था फाइनल कम हो गया था, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इफ इनिशियल प्रेशर इज 750 mm ऑफ एच जी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइनल प्रेशर पूछा गया है, फाइनल प्रेशर पूछा गया है गैस का, तो क्या इनिशियल प्रेशर है वो कितना रखा है 750 mm ऑफ एच जी। ओके इस मर्क्यूरी का 750 mm यहाँ पे दिखाया गया। तो अभी अगर सॉल्यूशन इसका निकाले तो पहले तो गिवन डेटा लिख दो, तो गिवन डेटा में क्या था कि पहला जो टेम्परेचर था इनिशियल टेम्परेचर वो T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लिखा जाएगा 323 किलो केल्विन। ओके 323 केल्विन लिख दो इनिशियल प्रेशर, देन 273.15 केल्विन। ओके सेकेंड को लिख दो, देन P1 जो है वो जो प्रेशर है वो कितना लिखना है 750 mm ऑफ एच जी, और जो P2 है वो कितना लिखना है वो। ओके P2 है हमारा फाइनल, ओके टू फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इफ इनिशियल प्रेशर इज 750 mm। ओके तो इनिशियल जो है हमारे पास फाइनल की मतलब P2 की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक और चीज़ बोली थी यहाँ पे इन्होंने कि वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम जो दिया गया है वो एक्चुअल में कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। वॉल्यूम अगर किसी गैस का कांस्टेंट है तो वो पॉइंट टाइम पे एक ही गैस लॉ यूज हो सकता है, वो कौन सा है, इट इज नोन एज गे-लुसैक्स लॉ। ओके सो गे-लुसैक्स लॉ में क्या होता है एक्चुअल में कि जो हमारा वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रख देता हूँ, देन नेक्स्ट क्या है, गे-लुसैक्स लॉ में हमने देखा था प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में था ये, और दोनों यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रहे थे, और इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P/T इज कांस्टेंट। ओके इसलिए P/T इज कांस्टेंट लिखा था, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या रहता है कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ओके तो रिलेशन लिख दिया P1/T1 इक्वल टू P2/T2। अब वैल्यूज पुट कर दो, P2 के फॉर्म में क्रिएट कर लिया, तो P2 इक्वल टू क्या बनेगा P1T2/T1। क्या बनेगा अगर इसका बनाऊंगा मैं P2 के फॉर्म में, ओके पहले इधर लिख दो P2 के फॉर्म में, तो ये बनेगा P1T2
डिवाइड बाय टी वन, टी वन टी टू डिवाइड बाय टी वन, तो पी वन का वैल्यू कितना बन, ये यहाँ पे 750 mm, ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ टी टू के साथ, तो टी टू कितना है हमारा 273.15 डिवाइड बाय 323, तो अभी इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यूज कुछ मिलेगी 634.25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये एक्चुअल में वैल्यू रहेगी इसकी, जब आप गैस को कूल करोगे तो जो आपका फाइनल प्रेशर जो बनेगा वो प्रेशर वहाँ पे रहेगा, जब आप वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर रखोगे तब वो प्रेशर मिलेगा, वो है 634.25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन इज द गैस इज कलेक्टेड एंड फाउंड टू फिल 2850 ml एट 25 degree Celsius। तो यहाँ पे गैस है उसका वॉल्यूम दिया गया है 2850 ml, ओके, और उसका एक टेम्परेचर भी दिया गया है 25 degree Celsius, ओके। तो क्या होगा, ये जो पहला जो टेम वॉल्यूम दिया है वो फर्स्ट वॉल्यूम है, मतलब इनिशियल वो होगा, और सेकेंड उस टाइम का जो टेम्परेचर रहेगा वो भी इनिशियल रहेगा। डिटरमाइंस वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला है और जो प्रेशर है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा ऐसा बोला, ठीक है। तो क्या बोला है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ओके, उस पर वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम क्या कंसिडर करते हैं, 273 केल्विन हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमें एक्चुअल में वॉल्यूम देखना है उसका कितना होता है। क्या है यहाँ पे, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो फिर हमारा एक ही लॉ रहता है वो है चार्ल्स लॉ। सो प्रेशर टेम्परेचर जो है टी वन 25 degree Celsius है, सो 25 + 273 यहाँ पे होगा वो बनेगा 298 केल्विन, ओके। स्टैंडर्ड टेम्परेचर टी टू कितना होगा, 273 केल्विन है, जो वॉल्यूम है वी वन वो कितना बनेगा 2850 ml, ओके, मिलीलीटर, और वी टू फाइंड करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे और फिर बाय चार्ल्स लॉ, मीन्स अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ओके, प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब कौन सा रहेगा यहाँ पे, चार्ल्स लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर चार्ल्स लॉ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे आंसर, चार्ल्स लॉ में क्या रहता है कि हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट है बट बाकी के दो क्वांटिटीज है वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बीच में रहता है, दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। इसका मीनिंग क्या रहता है, वी बाय टी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी वन बाय टी वन इक्वल टू वी टू बाय टी टू। सो वी टू इक्वल टू क्या बनेगा, वी वन टी टू डिवाइड बाय टी वन, ओके, तो वी वन टी टू डिवाइड बाई टी वन, तो वी वन कितना होगा 2850 ml, ओके, इंटू टी टू, ओके, वी वन टी टू, टी टू होगा 25 degree Celsius, नहीं टी टू वहाँ पे 273 केल्विन बनेगा क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना टी टू, एंड डिवाइड बाय टी वन रहेगा, टी वन कितना रहेगा 298 केल्विन, ओके। तो ये हम इधर कैलकुलेशन ही करेंगे, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो एक्चुअल आंसर मिलेगा तो इसका वैल्यू कितना रहता है, तो ये बनेगा जो फाइनल वैल्यू वॉल्यूम रहेगा वो बनेगा
2610.9 मिलीलीटर। ओके, जो एक्चुअली में स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मिलेगा हमें। ओके, ये रहेगा हमारा फाइनल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, एट वॉट टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सो दैट इट्स वॉल्यूम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डबल्ड। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे हम गैस को अगर हीट करते हैं, मतलब उतना गर्म करते रहते हैं कि कॉन्स्टेंट प्रेशर भी रखेंगे और उसके बाद गर्म करते रहेंगे। ओके, सो दैट इट्स वॉल्यूम एट 20 डिग्री सेल्सियस, अगर उसका वॉल्यूम जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो एकदम से डबल हो जाए, ऐसा कौन सा टेम्परेचर रहेगा। तो यही फाइंड कर रहे हैं। सो वॉट इज गिवन, इट इज गिवन दैट प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द T1 टेम्परेचर। ओके, सो T1 टेम्परेचर इज द 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 20 + 273 इक्वल टू 293 केल्विन। देन नेक्स्ट इज T2, देन नेक्स्ट इज वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम में। ओके, इज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम दैट इज डबल। ओके, 2V1। नाउ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट मीन्स चार्ल्स लॉ इज यूज्ड। चार्ल्स लॉ मीन्स वॉल्यूम अपौन टेम्परेचर मीन्स V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ओके, सो नाउ राइट फॉर द T2 टेम्परेचर। ओके, हाइस्ट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 293 इंटू, नाउ राइट एट T2 ट्वाइस ऑफ V1। ओके, मीन्स V1 और ट्वाइस ऑफ V1, सो V1 कैंसिल, 293 इंटू 2 मीन्स 2 to the 6, 2 9 18 1, 2 to the 4 एंड 5 5 8 6। ओके, नाउ सेकेंड टेम्परेचर दैट इज फाइनल टेम्परेचर इज द 586 केल्विन। ओके, और एंड इनिशियल इज, ओके इनिशियल टेम्परेचर इज 273 586 केल्विन। ओके, नाउ वी हैव टू राइट इन डिग्री सेल्सियस, सो माइनस ऑफ 273। ओके, इट इज बिकम्स 37.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट इज 313 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट इज द सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज अ सिलेंडर कंटेन्स 90.3 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ गैस एट 160 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है कि गैस का पहले प्रेशर दिया गया, सिलेंडर का प्रेशर भी दिया गया 90.3 इससे सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर मीन्स इट इज़ अ वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट इज एट 170 डिग्री सेल्सियस मीन्स हियर इज अ टेम्परेचर इज गिवन दैट इज T1 इज अ, इट इज़ नॉट अ 170, इट इज़ अ 17 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये चीज़ छोटा होना चाहिए। देन नेक्स्ट है 17 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 17 + 273 इक्वल टू 290 केल्विन। देन नेक्स्ट क्या है, प्रेशर इट इज़ अ 735 mm of Hg। ओके, वॉल्यूम इज V2। नाउ नेक्स्ट कितना है, 735 mm of Hg प्रेशर। ओके, प्रेशर बन दी, प्रेशर इज गिवन, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट NTP। ओके,
so normal temperature and pressure is given, and find its volume. So V2 is fine, and T2 equal to 273 Kelvin, and pressure equal to 760 mm of H. So now, P1, write the equation, that is the PV equal to RT. Here PV by T equal to constant, because R is also constant. So write P1 by V1. Equal to P2 by T2. So V2 equal to V2 के फॉर्म में फॉर्मूला लिखो तो कितना बनेगा, P1 V1 T1 T2 डिवाइड बाय T1. सो नाउ पुट द वैल्यूज हियर. ओके सो वैल्यूज पुट करते हैं, 735 इंटू 90.3 इंटू 273 डिवाइड बाय 760 एम इंटू 290. ओके now the answer is the 82.21 cubic centimeter. Okay, otherwise centimeter, okay, cubic centimeter is better. Now, next is a it question, that is a gas takes up a volume of 17 liter has a pressure of 22.3 atmosphere. Okay, तो यहाँ पे क्या है, 7 लीटर का वॉल्यूम बताया गया है गैस का. ओके तो इसको V1 कंसीडर कर दो, और उसका प्रेशर बताया गया 2.3 एटमॉस्फेयर, तो इसको प्रेशर को P1 कंसीडर कर दो. एंड वो टाइम का उधर का टेम्परेचर भी बोला गया है. ओके तो टेम्परेचर कितना गिवन है, 299 केल्विन, तो टेम्परेचर T1 कंसीडर कर दो. नेक्स्ट अभी क्या है कि ये तो पहला हो गया, सेकंड क्या है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 2350 केल्विन, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वो बन गया T2, तो T2 कितना हुआ, 350 केल्विन हुआ. ठीक है, एंड और लोअर द प्रेशर टू 1.5 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर को कम कर दिया तो वो कितना बनाया, 1.5 एटमॉस्फेयर बना दिया. अभी वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, दैट इज सेकंड वॉल्यूम क्या बनता है. सो इट इज, सो इन दिस पीवी इक्वल टू आरटी, तो ओके तो P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2 ऐसे लिख सकते हैं. तो इसमें एक्चुअल में जो वैल्यूज है हमारी, वो हमें फाइंड करना था वॉल्यूम, ओके न्यू वॉल्यूम दैट इज V2 फाइंड करना था. तो ये कैसे हो गया, P1 V1 इंटू T2 डिवाइड बाय P2 T1. ओके देन नेक्स्ट इफ वी सॉल्व दिस देन वी हैव वी गेट दिस आंसर 3.5 लीटर. नेक्स्ट के 9th, द वॉल्यूम ऑफ हेलियम गैस इज 10 लीटर एट 100 केल्विन. ओके दैट इज हेलियम गैस. ओके इज देयर इन द कंटेनर, इट्स वेट इज 10 लीटर. ओके एंड देन नेक्स्ट के
0.4 एटमॉस्फेयर इट इज द प्रेशर. ओके फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टू चेंज 25 लीटर. At 0.8 atmosphere, okay. So V1 is a 10 liter 100K and 0.4 atmosphere. Then, by using the simple calculation, we can write it as here. The next question, a given amount of gas at 310 Kelvin is heated until both its volume and pressure are double. ओके क्या बोला कि कुछ अमाउंट का गैस हमें दिया गया था जिसका एक्चुअल में टेम्परेचर जो है वो है 310 Kelvin. ओके ये टेम्परेचर है उसका. ओके 310 Kelvin यहाँ पे शो किया गया. इट्स हीटेड अंटिल बोथ इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर आर डबल. तो मतलब इसको कब तक हमने हीट किया जब तक इसका प्रेशर और वॉल्यूम है वो इनिशियल से डबल नहीं हो जाता. व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? तो इनिशियल जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसको वी वन कंसिडर करो, पी प्रेशर को पी वन कंसिडर करो और वॉल्यूम को वी वन कंसिडर करो. देन राइट पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू. ओके नाउ नेक्स्ट इज पुट दी वैल्यूज ओके इन टर्म्स ऑफ टी टू. ओके T2, the formula becomes P2V2 into T1 divided by P1V1. Okay, so is equal to 2P1. P2 means P, it is doubled of P1. So write 2P1, okay, in place of T2. And in place of V2, write 2V1. V1 into 310 divided by P1V1. So P1V1 gets cancelled. P1 cancel, V1 cancel. So 2 to the 4, 4 into 310, that is 12, 1, 2, 4, 0. Okay. So it is the name of, it is the answer. Okay. So answer of this question is 1240 Kelvin. Okay. This is all. That is the if the gas is heated, okay, until volume and pressure of the gas is doubled, okay. So that temperature is constant temperature is there, okay. Final temperature, okay. So that final temperature is 1240 Kelvin, okay. It is T2. Now, so in this lecture we have discussed about the various numericals based on the gas laws. Gas laws are most important part of the thermodynamics. So gas law contains Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, and combining the both laws, that is combining Charles law and Gay-Lussac law, we get the ideal gas equation, that is perfect gas equation. So, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.